नमस्ते दोस्तों, मैं देवांश सौरभ आपको अपने चैनल लाइफ एंड डिविनिटी में स्वागत करता हूं। मैं इस चैनल पर स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, मोटिवेशन जैसे अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो लाते रहता हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे सभी इन इम्पॉर्टेंट वीडियोज का अपडेट मिलता रहे। चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो पर आगे चलते हैं। लाइफ और डिविनिटी, ये दो शब्द हमारे अस्तित्व के सबसे गहरे पहलुओं को छूते हैं। दो शब्द गहराई से जुड़े हुए, ये हमें हमारे अंदर की गहराइयों में झांकने के लिए प्रेरित करते हैं। ये पर्पस की बात करते हैं, मीनिंग की, उस यूनिक सॉन्ग की जो हमारे अंदर गाने को बेताब है। हर इंसान के अंदर एक मेलोडी है, एक ऐसी धुन जो सिर्फ उसी की है। कभी ऐसा लगा है जैसे कोई आपको नज कर रहा है, आपके दिल में कोई फुसफुसा रहा है, आपको किसी चीज की तरफ पुश कर रहा है? ये विस्पर्स हमें हमारे ट्रू सेल्फ की ओर ले जाते हैं। वो आपकी सोल की आवाज है जो आपको आपके सही रास्ते पे ले जा रही है। ये इनर वॉइस हमें हमारे ऑथेंटिक पाथ पर चलने के लिए प्रेरित करती है। जिंदगी की भागम भाग में फंस जाना, वही पुराने रास्ते फॉलो करते रहना आसान है, लेकिन क्या हम वाकई में खुश हैं? लेकिन अगर सच्ची खुशी अपना रास्ता खुद बनाने में है, क्या होगा अगर हम अपने दिल की सुने और अपने रास्ते खुद बनाएं? अगर सबसे बड़ा एडवेंचर खुद को उस शानदार इंसान को डिस्कवर करना है जो बनने के लिए आप पैदा हुए थे। ये जर्नी हमें हमारे हाईएस्ट पोटेंशियल तक ले जाती है। ये सफर शुरू होता है उन इनर विस्पर्स को सुनने से। ये विस्पर्स हमें हमारे ट्रू कॉलिंग की ओर ले जाते हैं। उन्हीं के पास आपकी पोटेंशियल का नक्शा है, उस एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान को अनलॉक करने की जो आपके अंदर है। ये विस्पर्स हमें हमारे ट्रू सेल्फ की ओर ले जाते हैं, जहां हमारी असली शक्ति छुपी है। सेल्फ डिस्कवरी का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। चैलेंजेस आएंगे, सेटबैक्स होंगे, डाउट के पल भी आएंगे, लेकिन इन ऑब्स्टिकल्स को रोड ब्लॉक्स नहीं बल्कि स्टेपिंग स्टोन्स समझो। हर चैलेंज पार करने पर, हर फियर का सामना करने पर आपका रिजॉल्व और मजबूत होता है और आपकी रेजिलियंस सामने आती है। याद रखना, सबसे ब्रेथ टेकिंग व्यूज सबसे चैलेंजिंग क्लाइम्स के बाद ही मिलते हैं। स्टम्बल्स को अपनाओ, फॉल्स से सीखो और जान लो कि हर स्टेप, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपको आपके ऑथेंटिक सेल्फ के करीब ले जाता है। जिस तरह एक बगीचे को बढ़ने के लिए देखभाल की जरूरत होती है, उसी तरह आपकी पोटेंशियल को भी। एक बगीचे में हर पौधे को सही मात्रा में पानी, धूप और पोषक तत्व चाहिए होते हैं, वैसे ही हमें भी अपनी ग्रोथ के लिए सही केयर की जरूरत होती है। अपने माइंड, बॉडी और स्पिरिट को नर्चर करना बहुत जरूरी है अपनी इनर ग्रेटनेस को अनलीश करने के लिए। मेडिटेशन और योगा जैसे प्रैक्टिसेस हमें इनर पीस और बैलेंस देते हैं। ऐसी चीजों के लिए समय निकालो जो आपकी सोल को नरिश करें, जैसे मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और सेल्फ रिफ्लेक्शन पढ़ना, नेचर में समय बिताना। ये एक्टिविटीज न केवल हमें रिलैक्स करती हैं बल्कि हमें नए पर्सपेक्टिव्स और आइडियाज भी देती हैं। अपने माइंड को नॉलेज दो, खुद को लर्न और ग्रो करने के लिए चैलेंज करो। लर्निंग न्यू स्किल्स और गेनिंग नॉलेज हमें मेंटली स्ट्रांग बनाता है, और अपनी फिजिकल वेलबींग का भी ध्यान रखना, क्योंकि एक हेल्थी बॉडी ही वाइब्रेंट माइंड को सपोर्ट करता है। रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्थी डाइट हमें एनर्जेटिक और फोकस्ड रखते हैं। अपने इनर गार्डन को प्यार और देखभाल से कल्टीवेट करो और देखो कैसे आपकी पोटेंशियल ब्लॉसम होती है। जैसे एक बगीचा सही देखभाल से खिलता है, वैसे ही आप भी अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। द सिम्फनी ऑफ यू, हम सब टैलेंट्स, पैशंस और ड्रीम्स का एक यूनिक ब्लेंड है। अपनी इंडिविजुअलिटी को एम्ब्रेस करो, क्योंकि हमारी डिफरेंसेस में ही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स होती हैं। क्या चीज आपके हार्ट को सिंक कराती है, आप नेचुरली किस तरफ अट्रैक्ट होते हो, ये आपकी पैशंस के क्लूज हैं, वो थ्रेड्स जो आपके पर्पस की टेपेस्ट्री को वीव करते हैं। एक्सप्लोर करने से, एक्सपेरिमेंट करने से, नई चीजें ट्राई करने से मत डरो। ये दुनिया आपका कैनवस है और आपकी लाइफ वो मास्टरपीस है जो बनाने के लिए आप पैदा हुए थे। एम्ब्रेसिंग द अननोन,
अपनी ट्रू पोटेंशियल में स्टेप लेने के लिए करेज चाहिए, फेमिलियर से आगे बढ़कर अननोन को एम्ब्रेस करने की विलिंगनेस चाहिए, खुद पे ट्रस्ट रखो, अपनी सोल के विस्पर्स पे, और वो लीप ऑफ फेथ लो। रास्ता हमेशा क्लियर नहीं होगा, लेकिन फेथ रखो कि आप गाइडेड और सपोर्टेड हो। अनसर्टेंटी को एम्ब्रेस करो, क्योंकि अननोन में ही सबसे बड़े एडवेंचर्स छुपे होते हैं। याद रखना, आप जितना इमेजिन कर सकते हो उससे कहीं ज़्यादा कैपेबल हो। खुद पे बिलीव करो, जर्नी पे ट्रस्ट करो, और देखो कैसे आपकी लाइफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेज में अनफोल्ड होती है। लाइफ एंड डिविनिटी, अ जर्नी अनफोल्ड्स। लाइफ और डिविनिटी, सेल्फ डिस्कवरी का सफ़र, एक ऐसा सफ़र जो हमें हमारी असली पहचान से मिलाता है, अपनी पोटेंशियल को एम्ब्रेस करने का, अपने अंदर छुपी शक्तियों को पहचानने का, और पर्पस और पैशन से भरी लाइफ जीने का। एक ऐसी लाइफ जो न केवल हमें संतुष्टि दे, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। ये अप्स एंड डाउन्स का सफ़र है, ट्रायम्फ्स और चैलेंजेस का, लेकिन आखिरकार ये हमें मजबूत बनाता है, ये खुद का बेस्ट वर्जन बनने का सफ़र है। आज ही शुरुआत करो, उन विस्पर्स को सुनो जो आपके दिल की गहराइयों से आ रही हैं, पामाइलोसा हैं। अपनी सोल को नर्चर करो, अपने अंदर की शांति को खोजो, और उस लाइफ की तरफ पहला कदम बढ़ाओ जो जीने के लिए आप डेस्टाइंड थे। एक ऐसी लाइफ जो आपके सपनों से भी परे हो, जो जीने के लिए आप डेस्टाइंड थे। अपने जर्नी पे और इंस्पिरेशन और गाइडेंस के लिए लाइफ एंड डिविनिटी पे अवेलेबल रिसोर्सेज एक्सप्लोर करो। अपने अंदर की आवाज़ को सुनो और अपने पर्पस को डिस्कवर करो। अपनी पोटेंशियल को अनलॉक करो, और ऐसी लाइफ जो ट्रूली मैटर करे। एक ऐसी लाइफ जो आपको और दूसरों को प्रेरित करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने और शेयर करने की कृपा करें। साथ ही हमारे चैनल लाइफ एंड डिविनिटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।